मेरा ध्यान रखना क्लास 11th मैथ मिसलेनियस सर मिसलेनियस 2 है चैप्टर सेकंड और आगे है रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा, आगे 6 में कह रहा है कि अच्छा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ले कर रहा है या फिक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है या फिक्स क्वेश्चन x और रहेगा x2 प्लस सॉरी अपॉन 1 प्लस x2 है और क्या कर रहा है सच दैट h belong to real number में, इसमें belong कर रहा होता तो real number में be a function from R into R मतलब real number के लिए है, किसके लिए है ये real number के लिए है और determine the range of f तो range बताना है, क्या बताना है इसका range बताना है कि answer क्या मिल सकता है, हमारा answer क्या मिल सकता है range हमें बताना है। तो बताने के लिए क्या करेंगे हम सोचो कि x की values को मैं कुछ ना something put करके दिखा दो पहले सोचो कि एस की वैल्यू क्या आप पुट कर लो एक टेबल बना लो टेबल बना करके और दो चार वैल्यू पुट करके दिखा दो इसमें फिर उसके बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। वही वही जैसे वाई जैसे एफ इक्वल टू है तुम सपोज वाई इक्वल टू मान लो या एफ एक्स इक्वल टू लेट कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है जीरो रख सकते हैं या नहीं ये बता दो मुझे, ठीक है ना जीरो रखेंगे जीरो वन प्लस जीरो का स्क्वायर कुल मिलाकर जीरो अपॉन में वन इक्वल टू जीरो, ठीक है यानी जीरो को जीरो मिलेगा और रख लो कुछ ये वन रख लो वन और वन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन में टू राइट। तो वन पर क्या मिला हमें टू, अच्छा थोड़ा सा और बड़ी संख्या रख लो, अच्छा पॉइंट वाला भी रखना चाहते हो पॉइंट का भी रख लो ऐसा होता है ना रियल नंबर है ना चूंकि रियल है ना नहीं फायदा ये है कि इसे कभी वो मान लो नेचुरल नंबर के लिए बोलता कभी रियल कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे अगर 1 2 3 रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगी मगर जब रियल की बात करता है तो एक आध पॉइंट का भी नंबर हमें ले लेना चाहिए चाहे पॉइंट का हो चाहे अपॉइंट का हो क्योंकि रियल में सारे आते हैं ना समझाए बात क्या चाहिए सर। हाँ तो 1.0.5 कर लो किस पर 1 पर हाँ तो 2 थोड़ी मिलेगा 0.5 ठीक है ना अच्छा और आगे अच्छा यहाँ पर तो मैं सोच रहा हूँ कि ये रखो पालन क्या लिखो एफ एक्स लिखो जैसे एफ जीरो हमने रख लिया यहाँ पे क्या रखा हमने हुआ वन रख लिया यहाँ पर रख लिया हमने मान लो सपोज पॉइंट क्या नंबर ले रखा ठीक है ना तो कर लो 1 प्लस 1.5 का स्क्वायर 1 प्लस कितना था फिर का स्क्वायर 225 कहाँ पर अच्छा स्क्वायर है यहाँ पर हाँ तो क्या जाएगा 1.5 का स्क्वायर ठीक है ना अच्छा 1.5 का स्क्वायर लग जाएगा कितना 225 और 2 द्वार पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर भी द्वार पर पॉइंट आ जाएगा ठीक है तो ऐड करोगे 2. जो हमारा रेंज आ रहा है वो हमेशा 1 से लेस आ रहा है देख लो 0.5 यहाँ पर तो वही बात है ना न्यूमरेटर लेस है क्या डिनोमिनेटर से तो जो वैल्यू आएगी 1 से लेस मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भी वैल्यू रखो माइनस में रख लो अब आप माइनस में रख लो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना जाएगा 1 अपॉन में 2 यानी आंसर जो उसका भी हो जाएगा है ना माइनस अगर रुको पहले कितना आया था 1.5 कितना मिला हमें अब हम तो डिवाइड करेंगे भाई सही लिख देंगे सीधे क्या आया 2.25 अपॉन में 3.25 हमें आंसर से मतलब नहीं हमें बस ये दिखाना है कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है और क्या आ रहा है 1 से लेस ठीक है अच्छा और 0.5 और कितना मिला माइनस 1 पर 0.5 भी मिला अच्छा माइनस कुछ बड़ी संख्या ले लो माइनस मान लो 3 ले लो माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 10 ठीक है तो 9 अपॉन में 10 यानी ये भी क्या मिला माइनस 3 पर 0.9
तो हमें रेंज बताना है, हमें रेंज बताना है। तो रेंज में जो आंसर मिल रहा है, क्या जीरो से लेस मिल रहा है, मिल सकता है आंसर? सोचो और बताओ। अगर हाँ बोलो, जीरो से लेस मिलेगा, वन से लेस मिलेगा, कुछ भी रख दो, फिर भी रख दो, तो नीचे से स्क्वायर करने पे ज्यादा मिल जाएगा, वन प्लस करना ही होगा, जीरो से बड़ी वन से कम आएगी। हाँ ठीक है, यानी जीरो और वन के बीच में आएगी, यानी जीरो भी इंक्लूड है, वन नहीं इंक्लूड है, वन इंक्लूड नहीं है, ये ना समझ में आ रही बात? वन नहीं आ सकता आंसर, वन नहीं आ सकता, वन से लेस आएगा। तो क्या लिखेंगे रेंज, ऐसे क्या लिखना था यहाँ पर, स्टेटमेंट थोड़ा बताओ कैसे लिखना होता है। जो हमारा एफ एक्स है बिलोंग टू, इसमें रियल नंबर में है ना, तो रेंज इसमें, रेंज किसमें बिलोंग करेगा, रेंज बिलोंग टू इसमें जीरो से ये क्लोज इंटरवल में आएगा, जीरो सही बात, और वन किसमें आएगा, ओपन इंटरवल में आएगा, है ना। बस और कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, क्या लिख सकते हो, मिनिमम क्या होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड लेस देन वन, ठीक है। तो इसमें ना एक भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेंस क्या, वन से लेस क्या होगा, क्योंकि सेंस ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन, ग्रेटर एक में आता जैसे लिखते हैं ये, तो देखो ठीक है, बोलो ऐसे बोल दो मैं कर दूंगा, न्यूमरेटर में से वही क्या एफ एक्स जो वैल्यू है वह किससे है, जीरो से इक्वल या बड़ा हो और लेस देन होगा किससे, बाकी रेंज सबसे पहले लिख दिया, अलग ये लाइन मान तुम कहाँ कर लेना, ये लाइन तुम कर लेना यहाँ पर, देखो यहाँ पर ठीक है, और ये दोनों की लाइन इसके बाद ये लिख देना, हाँ ये दोनों लाइन पर लिख करके ये फिर ये लिख देना, नाम दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, अब क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, लेट एफ, तो दिया हुआ है एफ या जी जो फंक्शन होता है, तो रियल फंक्शन के लिए है, बी डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन अलग अलग हैं, एक एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस वन, और सेकंड क्या दिया हुआ बता दो, जी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, एफ प्लस जी एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन में जी, ये तीनों टाइप से हम, हाँ वो एग्जाम्पल था, पीछे तो सिंपल है, तो क्या करना है एफ प्लस जी हमें बताना है, तो तुम क्या किया करो साथ में ऐसे इसको अंदर ब्रैकेट में डाल दो, साथ में एक्स लिख दो, फिर क्या करोगे एफ ऑफ एक्स लिख दो एन प्लस एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एक्स लिख दो, क्या लिखोगे जी ऑफ, हाँ मेरे पास नहीं कर दिया हमने, नहीं अच्छा आवाज निकालो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या है एफ एक्स वैल्यू, अब यहाँ से उठाकर रख लो एफ एक्स वैल्यू कितनी है, नहीं बोलोगे प्लस जी एस की वैल्यू कितनी है, सॉल्व कर लो कितना जाएगा, थ्री एक्स और वन माइनस थ्री माइनस टू, ये आंसर हो जाएगा किसका, हाँ और गया प्लस जी, क्या हो गया ये प्लस जी, ठीक है ना, सेकंड कर लो, हाँ एफ माइनस जी माइनस थ्री, ऐसे करके एक बार में ऐसे लिख लेना जिससे तो उधर फ्रिक्शन ना हो, फिर क्या करना एफ एक्स अलग माइनस जी एक्स अलग माइनस थ्री एक्स, ठीक है हाँ एफ एक्स के लिए बताओ कितना आएगा, ठीक
तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस फोर, ठीक है। देन क्या मिल गया ये एफ माइनस जी, एकदम नहीं होता। थर्ड एफ अपान में जी बताना है तो इसको भी ऐसे कर लेना, कैसे ये तो अलग ही कर लेना, क्या ऐसे मत करना, ऐसे करना इसको अलग कर लेना, साथ में ऐसे लिखना, फिर एफ एक्स करना अलग, जी एक्स अलग कर लेना। अब एफ एक्स वैल्यू कितनी आएगी, एक्स प्लस वन अपान में टू एक्स माइनस थ्री, टोटल आंसर डिवाइड नहीं होगा ना, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर एट लिख दिया हुआ है, एफ इक्वल क्या दिया हुआ है बोलो, बोला करो प्लस क्या दिया ब्रैकेट में, फाइनल एलिमेंट वन वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, ये अलग आता है और है भाई, अच्छा अच्छा और क्या दिया हुआ है, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इसमें है ये इंटीजर, जेड का मतलब क्या होता है इंटीजर, इंटीजर के लिए डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड ए बी डिटरमिन ए बी, हमें क्या बताना है ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। ये तो इस तरह को करवाया था क्वेश्चन, याद है क्या करवाया था, वो आंसर करवाया था। हाँ या आप कितना पुट कर लोगे, देखो पहले वन है, वन पुट करोगे इसमें पुट करो ए इनटू वन प्लस बी और आंसर इधर वाला वाई हो जाएगा इक्वल टू वन, इक्वल टू वन बी बोलिए प्लस बी बोलिए, देन क्या करेंगे ध्यान देखना, ए और तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना मिल गया, वन क्वेश्चन आप फर्स्ट हो गया, सेम किसी में रख लो, ठीक है किसी में टू थ्री में पुट कर सकते हैं, क्या जा गया ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इनटू वन प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया माइनस वन, जो दिया है वाई को वही क्वेश्चन देंगे, तो जीरो प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, देन क्या हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस वन, अब पुटिंग इन बता दो किसमें, सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट पुटिंग इन, ऐसे सेकंड भले कर लो मतलब पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू माइनस वन में रखा है इक्वल टू वन, ये देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है, सर एग्जांपल 20 मैं बता तो रहा हूं, सेम है सर एग्जांपल 20, अच्छा तो आंसर तो आ रहा है, सेम दूसरा आ रहा है, तो नोट कर लो, कर लिए सर, रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, इसमें है एन आर तरह रिलेशन है एन टू एन यानी नेचुरल नंबर के लिए, इसके लिए बाय आर इक्वल टू दिया हुआ है कंडीशन क्या है, ए बी सच दैट और क्या दिया बोलोगे, ए बी किसमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर है, a इक्वल टू बी स्क्वायर है क्लोज, देन कह रहा है कि आर दी फॉलोइंग, आर दी फॉलोइंग आर टू, पूछ रहा है कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, कौन कौन सा, a a बिलोंग कर रहा है r में और फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल a बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, तो देखो ध्यान से ये कह रहा है ए बी जिसमें ए बी बिलोंग कर रहा नेचुरल नंबर में, तो इस कंडीशन में हमारे पास ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या यह इक्वल होगा इसके, देखो ए ए के लिए, तो अब ये कह रहा है कि ए इक्वल टू ए स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, क्यों क्योंकि ए ए ये जो ए है इससे इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा नहीं हो गया, बोलो देखो फर्स्ट ए है ये अपने पे चल गया है, लेकिन जो बी है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी के स्थान पे क्या मिला हमें, यहाँ पे ये मिला यानी ये वाला ए है बी के इक्वल हो गया, अब यहाँ पे बी है हाँ ए तो बी से ये बराबर है ना, तो लगभग डबल के बराबर होगी ना से, हाँ तो बी ना मान करके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस बी को भी ए मान लो, तो क्या ये चीज संभव है, यानी कह रहा है अगर ए को तुम टू लेते हो मान लो तुम ऐसे लेते हो टू और टू ए सेम सेम नॉर्मल लेना कुछ भी ले लो मान इंटीजर का नाम नेचुरल नंबर लेना क्या लेना हमें नेचुरल टू टू थ्री थ्री वन वन फाइव फाइव तो जो वन वन के लिए तो सही होगा वन इक्वल टू वन स्क्वायर के लिए सही होगा
क्या हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सही है? हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या ये सही है? क्या टू टू स्क्वायर इक्वल है? नॉट रियल. क्या जगह ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है हमारा. ट्रू फॉल्स अगेन. हां ऐसे लिख दो सर. समझ आ गई बात? पूरा लिखना पड़ेगा सेकंड. हां और करना पड़ेगा इसका. सेकंड में क्या पूछ रहा है? ए बी बिलोंग टू आर. बी ए है हमारे बोलो क्या जैसे हमने एक चेक कर लिया वैसे इसको भी चेक कर लो ऐसे वाला भी चेक कर लो ठीक है ना. कर लेना है.